बहुत लोग शायद नहीं पता केसी, मतलब जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि केसी मतलब कौशल चौधरी फुल फॉर्म उसका। तो अभी थोड़ा भाई गला खराब भी हो रखा है और सूख भी रखा है, प्यास भी लग रही है, पानी भी नहीं है, रुक के पानी लूंगा। एनीवेज तो भाई आज अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 46, तो वहाँ एक भैया है डीलू भाई, नाम है उनका अनिल ठाकरान बोलते हैं। तो उनकी एक शॉप है जिसका हम प्रॉपर वॉक अराउंड भी करेंगे और प्रॉपर वीडियो भी लेके आएंगे आने वाले टाइम में। सेक्टर 46 के अंदर कपड़ों की शॉप है पूरे, मतलब होलसेल तो नहीं, मतलब शॉप है कपड़ों की। और उनके उस शॉप को टोटल हो गए हैं 9 साल। तो आज उन्होंने भंडारा किया है मार्केट में सेक्टर 46 में, तो अभी उन्हीं के साथ हम थोड़ी मदद करने भी जा रहे हैं उनकी कि भाई कैसा है पूरे, मतलब पूरे मार्केट है जो जो भी आ रहा है वैसे 46 की मार्केट के अंदर, क्या जिस जिसको पता होगा आ जाएगा, जो भाई वैसे ही पता है अच्छा काम होता है, नेक काम होता है और वो करते रहते हैं, वैसे ही महीने में एक दो बार हो ही जाते हैं, दो बार तो है मिनिमम कि हाँ 15 दिन में या डेढ़ दो महीने में एक दो बार हो जाता है। तो आज फिर कल उनका कॉल आया था और अभी भाई लेट भी हो चुके हैं, 12 बजे बुलाया था, 12:30 तक पहुँचूंगा वहाँ पे। भाई एक और चीज़ ठीक करवानी पड़ेगी, आज शायद महिंद्रा भी जाऊँगा भंडारे के बाद। ये जो हॉर्न है ना इसका, बहुत टाइम से ये हो रखा है इसका हॉर्न, और इसकी पीछे वाली लाइट भी ख़राब हो रखी है। कल पता चला था मेरे को वो पीछे वाली टेल लाइट, वो रैपिंग के बाद जब भाई वो बंदे लगा रहे होंगे तो शायद वायरिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, वो भी सही करवा देंगे। और इसका बैक कैमरा, ये तीनों चीज़ है भाई ठीक करानी, ये तो भाई बहुत ज़रूरी है। इसका एयरबैग मतलब बाहर से करवा लेता लेकिन इसका जो ये है ना बहुत दबाव है, इसको निकालें या एयरबैग होता है ना तो रिस्क होता है अगर बाहर से करवाए, तो मैंने सोचा कंपनी में ही जाके सीधा इसको करवाते हैं। और एक और चीज़ जो आपको आवाज़ सुनने को दे रही है ना, ये चीज़ भी भाई फिक्स करवानी, 3-4 चीज़ें हैं, तो भाई आज मोस्टली आज वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। डिपेंड करता है कब भाई छूटते हैं वहाँ से भंडारा, मेरे हिसाब से 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम महिंद्रा जाएंगे। और भाई बहुत 2-3 गाड़ियों के शूट्स भी हैं जो पेंडिंग हैं बहुत टाइम से, वो भी करना है, पता नहीं भाई आज टाइम मिला तो वो भी आज निपटा लेंगे, वरना भाई देखते हैं कल, शायद कल मोस्ट प्रॉब्ली कहीं जाना है मेरे को, वो ब्लॉग में पता चल जाए भाई। कल जो है किसी भैया के साथ मेरे को बहुत दूर तो नहीं, थोड़ा दूर गुड़गांव से 60-70 किलोमीटर का गैस कर लेना कहाँ जाने वाला हूँ, तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। तो भाई ये है भैया की शॉप फैशन फ्रेंजी, ये दिख रहा होगा आपको, प्रॉपर डेकोरेशन हो रखे हैं बलून से, और अंदर तो बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे सामने ही हो रहा है भंडारा, अभी दिखाता हूँ आपको। ये पूरा भाई मतलब अभी तो अराउंड एक बज गए, अभी भीड़ थोड़ी बढ़ रही है, अभी बढ़ जा रही है। और भाई क्या हाल है, और वहाँ पे जितेंद्र भैया पूरा काम करवाते हुए, और यहाँ भैया जिन्होंने भंडारा करवाया। और भैया कैसे हो यार, तो यार क्या सोचा है करवाने का, 9 साल हो गए, कैसा लग रहा है आपको? 90 साल तक चलना है, 90 साल के 99 साल 900 साल। तो भाई यहाँ सारा बन रहा है, पूरी आलू हलवा सारा भाई पूरी मेहनत से बना रहे हैं। भैया कितने बजे से बैठे हो बनाने के लिए? दस बजे से। और कितने बजे तक चल रहा है ये? साढ़े चार तक। भाई देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई सारे लोग, और भाई पूरा यहाँ तक चलता ही रहेगा। क्या भाई? जब तक माल खत्म नहीं हुआ जब तक चलता ही रहेगा। बढ़िया बात है भाई। कपिल भैया से बात करूं? और ये कपिल सैनी साहब, एडवोकेट, लॉयर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, सॉरी प्रॉपर्टी डीलर। ये डॉक्टर हमारे नकुल यादव, डॉक्टर नकुल यादव हमारे। हेलो भाई। और वो किधर है? युवराज ढिंगरा। अच्छा फर्स्ट ईयर
और युवराज भी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कितने आप कितना हो गया टाइम हो गया यहाँ खड़े हुए आपको? 40 मिनट डॉट याद है टाइम है। सो गाइस ऑलमोस्ट भंडारा खत्म हो चुका है और यहाँ पे भाई सारे भाई खाना खा रहे हैं। जितेंद्र भैया खाना कैसा है भाई? अच्छा है, काफी अच्छा। आपका क्या कमेंट है विक्रम भैया? एक नंबर है, एक नंबर। वैसे आप करते क्या हो? मैं भूल गया, टाइम पास ही करते। और डिंगरा साहब? मैं भाई के साथ रहता हूँ टाइम पास। सो भाई 4 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो क्या बज ही गए हैं, 20 मिनट बाकी हैं बस। और अब जा रहे हैं हम वो कार वाली मार्केट में जो गुड़गांव में ठाकरान मार्केट के नाम से जानी जाती है। एक तो एसी थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी नहीं तो। तो वही अभी जा रहे हैं और ये इसकी जो लाइट और जो इसका बैक कैमरा जो काम नहीं कर रहा, कल बताया था आपको, कल वाले उसमें जब मैं गया था वहाँ कार मीट पे, आपने देखा होगा चल नहीं रहा, तो वो भी चेंज कर रहे हैं। मतलब चेंज तो नहीं, ठीक ही करेंगे अभी के लिए। चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि फ्यूचर में पीछे का बम्पर भी चेंज कराऊंगा तो साथ ही करूंगा। अभी थोड़ा जुगाड़ मतलब उसको फिक्स करवा देंगे कि हाँ भाई ठीक कर दे, वैसे चला। थोड़ी वायरिंग की इशू हो गई होगी क्योंकि रैपिंग में ना पार्ट्स निकल जाते हैं सारे, तो उससे सब कुछ निकाल के थोड़ी ऊपर नीचे हो गई वायरिंग पीछे की जो है, तो वो अभी देखते हैं। सो भाई फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ पे ठाकरान मार्केट और यहाँ भाई की शॉप है मोटर हब करके, अभी मिलवाऊंगा उनसे। ये खड़े हैं यहाँ पे और अभी इसका भी रिव्यू करेंगे और इसमें क्या क्या काम हो रहा है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा। अभी मेरी यहाँ पे ये लाइट ठीक हो रही है, जो ख़राब थी मेरी लाइट, जो ये वाली ख़राब तो नहीं, मतलब जो वायरिंग हिल गई थी इसकी, तो ये अब ठीक हो जाएगी। और इसका बैक कैमरा भी करवा देंगे, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। माइंड मत करना, अभी थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि संडे है, आज साफ़ नहीं हुई थी, आज साफ़ करने वाला नहीं आया था, लेकिन मैं खुद कपड़ा मार दूँगा कुछ टाइम में। क्या निकला हुआ था भाई इसका? भाई ये चीज़ इसकी निकली हुई थी, इसके चक्कर में ये वो रही थी। अब देखते हैं अब चलता है नहीं चलता, दिखा रहा है एक बार। हाँ अब चल गई है ना, बस यही था और तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नई की नई लगवाई थी भाई मैंने, तो यार कैसे वो हो जाएगा। अब इसको फिक्स टेप लगाया कैसे करेगा? टेप लगा दे फॉर सेफ्टी। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना इसमें? क्या टाइबल्ट भाई आ चुके हैं महिंद्रा शोरूम, मतलब शोरूम तो क्या भाई, सर्विस स्टेशन, यहीं पर ही हमारी गाड़ी सर्विस होती है। यहाँ पर बताएंगे भाई दिक्कत क्या हो रही है, कोई शाम है एडवाइज़र करके एक बार इससे बुला लेंगे, थोड़ी गाड़ी भी साफ़ करा लेंगे, गंदी से हो रही है। ये रहा दबा हुआ है ना हॉर्न इसका, और एक बार स्टार्ट करो गाड़ी, एक से रुक लो चाबी बंद। इसका बैक कैमरा पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है। और ये इंजन लाइट यार पता नहीं हर टाइम दस्ते रहती है यार, ये फालतू में इसके टायर का हवा भी 2-3 बार भरवा चुके। देखिए कहाँ लगवाया था कैमरा? यही महिंद्रा का ही लगा रखा है। ये आपका MG रोड वाला कॉन्सेप्ट महिंद्रा नहीं है? कॉन्सेप्ट वही दिखाना पड़ेगा आपको। क्यों यहाँ नहीं होगा ये? जो एक्सेसरीज जो लगाता है ना वही देखो। तो यार आप देख लो यार क्या होगा एक्सेसरीज, कंपनी की तो है, कंपनी वाले की तो है। सर महिंद्रा DM का अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, तो डीलर ही अलग है। हाँ जी डीलर दोनों अलग है। तो कैमरा खराब है क्या है वो वही चेंज करके वो भी देखो। आप नहीं कर सकते चेक? नहीं चेक कर लो एक बार, देख लो वायरिंग वायरिंग हल्की सी बात के लिए वापस वहां जाओ, मेरे को उसका कहीं आगे भी जाना है इसलिए कह रहा हूँ। और इसको एक बार यहाँ इससे खुलवाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ ना पेन या कुछ अड़ गया है, ये खड़े आवाज खींच खींच कर रू जो भी इसको भी ठीक करवा देना पड़ेगा। इसका एयर बैग कहाँ होता है? अच्छा स्प्रिंग वो हो गई है इसकी लूज, इसकी स्प्रिंग हुई है क्या लूज?
और इसका एयरबैग कौन सा है भाई? ये इसका एयरबैग है ये, मतलब और ये क्या, ये दबता है? ये इसका वायरिंग है इसके अंदर। हाँ, तो क्या दब के खुलता है? आगे क्रैंक सेंसर होता है इसमें। हाँ। जब वो वहाँ से जब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, तब जो खुलेगा। अच्छा, तो ये दबने से कुछ नहीं होता? ना ना, इससे कुछ। अच्छा, तो ये पूरा एयरबैग होता है और ये अंदर का ये पूरी वायरिंग हॉर्न की होती है, इसकी पूरी लगा रखी होती है भाई। ऐसे देख सकते हो आप कैसा होता है अंदर आपका। अब देखते हैं भाई क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद भाई चलेंगे। लग गया, हो गया। तो भाई ये हमारी S10 जो पुरानी स्कॉर्पियो आया करती थी, और ये देख सकते हो आप, ये बहुत रेयर लोगों ने लिया है ऑटोमेटिक। और ये शायद 4x4 है या नहीं है, क्योंकि इसका 4x4 वहाँ कहीं लगता है। लेकिन ये ऑर्डर पे आती थी भाई 2015 तक इसकी वो थी मैन्युफैक्चर, 15 या 16 तक, इतना कन्फर्म नहीं। 16 के बाद से ऑटोमेटिक वर्जन ही बंद कर दिया गया था, और फिर नया वो S11 वो जो आपकी ओल्ड सीरीज़ वाला हो गया था, तो वो स्टार्ट कर दिया था मॉडल नंबर। और यहाँ हमारी भाई गाड़ी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा इसका काम। स्प्रिंग तो चेंज नहीं करने पड़ेंगे? तो भाई फाइनली घर आ चुका हूँ, और ये मेरे को आज जब मैं गाड़ी का डैशबोर्ड देख रहा था, तो ये जब मैं रैपिंग करवाई थी ना, ये सारी चीज़ें स्टिकर्स एक्स्ट्रा जो उसने रखे थे, पता नहीं मेरे को ध्यान ही दिया, उसने बोला था नहीं, और कुछ तो बोल रहा था, कुछ एक्स्ट्रा रखे हैं, स्टिकर्स बनवाए थे अपने यूट्यूब उसके लिए, तो ये एक्स्ट्रा है। ये भाई मैं सोच रहा हूँ दूसरी गाड़ी ऑडी में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्रेटा में पीछे ये लगवा देता हूँ ये दो चीज़, और स्कैनर भी लगवा दूँ, बढ़िया लगेगा। और किसी के साथ इन सब की तो और जरूरत नहीं, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही है। और ये तो भाई जब टायर डलेंगे तो इसलिए इसके पहले ही लगवा दिए थे, कि BF गुडरेज ही प्लान कर रहा हूँ जो अपनी गाड़ी में लगवा लूँ। और भाई गर्मी बहुत हो रही है, फैन ऑन कर देता हूँ। और देखो भाई फाइनली यहाँ पे लग गया, ये कर्टन्स लग गए हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे। और आज तो भाई नहीं हो पाया जो था हमारा प्लान, जो गाड़ी की शूट करनी थी, क्योंकि लेट हो गया था, रात हो गई थी। तो मैंने कहा भाई कल कर सकते हैं, कल या फिर परसों, क्योंकि कल जाना है मेरे को, वो तो आपको व्लॉग में पता चल जाए। कल मतलब यहाँ से मैंने जैसे बोला 70-80 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, कोई एक जगह खास जगह कुछ काम करने हैं, मतलब वो व्लॉग में आप देखते रहना, तो उसके लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ही व्लॉग भी यहीं एंड करता हूँ, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और अब आपको मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो भाई जैसा कि देख सकते हो कि भंडारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे भाई सारे भाई खाना खा रहे हैं। कैसा लगा? सारे भाई वहाँ पे खड़े ना, आप बताओ कमजोर है, कैसा लगा? तू बहुत बढ़िया लगा।